कि अब इस बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 200 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करने से अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ममता दीदी ने जब पहला चुनाव लड़ा था उस समय मां माटी और मानुष के सुरक्षा की बात कही थी। बहनों भाइयों, 10 वर्षों का जो समय गुजरा है, स्वाभाविक रूप से आपने देखा होगा बंगाल में न मां सुरक्षित है, न मानुष सुरक्षित है, न माटी सुरक्षित है। अजीबोगरीब हालात इस बंगाल में ममता दीदी ने पैदा कर रखे हैं। भाषण देती हैं तो उनके भाषण में भी बहनों भाइयों हिंसा होती है। भाषण में भी वह कहती हैं इसको मार भगाओ, उसको बर्तन से पीट पीट कर भगाओ, यह दुशासन है, यह दुर्योधन है। दीदी, कब तक दुशासन दुर्योधन कहती रहेंगी, कब तक पीट पीट कर लोगों को भगाती रहेंगी? बंगाल की जनता तो आपसे यह जानना चाहती है कि 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहते हुए बंगाल की जनता के लिए आपने क्या किया है, यह इस बंगाल की जनता आपसे जानना चाहती है। लेकिन यह बताने के बजाय बराबर इधर उधर की बातें आपके द्वारा की जाती हैं। यदि मैं इस क्षेत्र की बात देखूं तो मुझे मालूम है, मुझे लोगों ने बताया कि यहां आदिवासी समाज के एक महानायक कान्हू मुर्मू जी हुआ करते थे, उनकी एक प्रतिमा थी। यहां के कुछ लोगों ने उस प्रतिमा को तोड़ देने का काम किया है। बहनों भाइयों, आज मैं आपको भरोसा दिलाकर जाना चाहता हूं और मैं यहां कहूंगा नरहरि महतो सिंह से कि यहां पर आप जीतने के बाद जिस कान्हू मुर्मू की प्रतिमा यहां पर तोड़ी गई है, फिर से वह प्रतिमा बननी चाहिए और भव्य प्रतिमा इस स्थान पर बननी चाहिए। मैं यहां आपसे अपील करना चाहता हूं। ममता दी ने यह भी वादा किया था इस क्षेत्र में पानी का संकट है, पानी के संकट को दूर करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पानी का संकट दूर हो गया है कि नहीं हो गया है? नहीं हुआ है। बहनों भाइयों, आज मैं आपको भरोसा दिलाकर जाना चाहता हूं, यह मेरा ही भरोसा नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया भरोसा सारी हिंदुस्तान की जनता को है। 2024 समाप्त होने के पहले हर घर में नल पहुंच जाएगा और हर घर में नल में जल होगा। बहनों भाइयों, यह भी आपको भरोसा दिलाकर जाना चाहता हूं। फल और लाख उद्योग, यहां पर इतना बड़ा उद्योग था, फल और लाख उद्योग भी बर्बाद हो गया, लेकिन ममता दीदी ने इस फल और लाख के उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया है। रेती की अवैध खनन होती है यहां पर, जिसके मन आता है गुंडे बदमाश लोग भी चले आते हैं, वह भी खनन करते हैं। हमारा यह कहना है कि रेती का खनन होना चाहिए तो उस पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं होना चाहिए, इस क्षेत्र की रहने वाली जनता का अधिकार होना चाहिए और किसी दूसरे का अधिकार नहीं होना चाहिए। इस बारे में भी हमारी सरकार विचार करेगी। इस क्षेत्र के विकास के साथ साथ मैं आपको बतलाना चाहता हूं, बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और उस संकल्प को बहनों भाइयों हम पूरा करेंगे, आपको हम भरोसा दिलाते हैं। बार बार जब भी होता है बराबर हम सारे लोगों को ममता दी कहती हैं कि यह सब सारे बाहरी लोग हैं। बहनों भाइयों, जो भी भारत का नागरिक है, भारत माता की कोख से पैदा हुआ है, चाहे वह हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में क्यों न रहता हुआ, सभी भारत माता की औलाद है। क्या यह भारत को तोड़ना चाहती है? ये बंगाल में यदि कोई बाहर से चला आया तो बाहरी हो गया। उत्तर प्रदेश में क्या हमारा बंगाल का भाई चला जाएगा तो हम उसे बाहरी कहेंगे? बहनों भाइयों, भारत माता की कोख से पैदा हुए हर औलाद एक दूसरे के भाई भाई हैं। और जिस राजनीतिक पार्टी से मैं आता हूं, भारतीय जनता पार्टी, बहनों भाइयों, भारतीय जनसंघ के रूप में हम लोग की पार्टी की स्थापना करने का काम यदि किसी मां के सपूत ने किया था, इसी बंगाल की मां की कोख से पैदा हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पैदा किया था बहनों भाइयों, और वही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी
आज हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर खड़ी हो गई। बंगाल के ही मां के सपूत ने इतनी बड़ी पार्टी भारत के अंदर बना दी कि यह पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। उस पार्टी में रहने वाले लोग बाहरी हो गए और आप अंदर की हो गई, जिन्होंने कि बंगाल को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। बहनों भाइयों, हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने बंगाल के विकास के लिए क्या क्या किया है, यदि मैं इसकी चर्चा करूं घंटे भर का समय लग जाएगा, लेकिन मैं पत्रकार मित्रों के सामने भी एक आंकड़ा रखना चाहता हूं। जब कांग्रेस की सरकार थी, 13th फाइनेंस कमीशन के द्वारा इस बंगाल के लिए केवल 1,32,000 करोड़ रुपया दिया गया था, लेकिन जब हम लोगों की सरकार बन गई, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बन गए, तो 14th फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत 4,48,000 करोड़ रुपया इस बंगाल के विकास के लिए हमारी सरकार ने दिया। ममता दी से मैं पूछना चाहता हूं, कहां चला गया वह पैसा? क्या हमारी सरकार ने बंगाल के साथ कोई भेदभाव किया था? क्या हमारी केंद्र की सरकार बंगाल का विकास नहीं करना चाहती है? जब होता है तब अनाप शनाप आरोप इनके द्वारा लगाए जाते हैं। बहनों भाइयों, जिस बंगाल की धरती पर रविंद्र संगीत सुनाई देते थे, जिस बंगाल की धरती पर चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन होता था, जिस धरती पर स्वामी विवेकानंद का संदेश सुनाई देता था, उस बंगाल की धरती पर आज बमों के धमाके हो रहे हैं, बमों की खुलेआम फैक्ट्रियां चल रही हैं। मैं भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं बहनों भाइयों, यदि कोई मां का लाल यदि उत्तर प्रदेश में बम बनाने की जरूरत करता तो मैं सीधे उसको उल्टा कर देता बहनों भाइयों, उसकी मैं खाक खड़ी कर देता। टेलीविजन के पर्दे पर आए दिन दिखाया जा रहा है कि बंगाल में बम बनाए जा रहे हैं। अब बम बनाने वाले कह रहे हैं कि हम यहां के लोगों को बम बेचते हैं ताकि एक दूसरे राजनीतिक पार्टी के ऊपर बम फेंको, हमारे 150 से लेकर 200 कार्यकर्ताओं को मार डाला गया। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? बहनों भाइयों, क्या किसी मुख्यमंत्री की यह जिम्मेदारी नहीं बनती है? हर व्यक्ति को, चाहे वह किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, किसी पंथ का हो अथवा किसी राजनीतिक पार्टी का हो, उसको वह सुरक्षा मुहैया कराए। जब तक राज्य सुरक्षित नहीं होगा तब तक राज्य का विकास किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। और बहनों भाइयों, हमारी सरकार आएगी इस बंगाल में, आ रही है, और आने के बाद मैं यकीन दिलाना चाहता हूं केवल हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही सुरक्षा नहीं मुहैया कराएंगे बल्कि कांग्रेस, वामपंथी और टीएमसी भी होगा उसको भी हम सुरक्षा मुहैया कराएंगे। सुरक्षा की पक्की गारंटी हम पूरे बंगाल को देंगे। हम इंसान और इंसान के बीच नफरत पैदा करने वाले हम लोग नहीं है बहनों भाई, लेकिन बंगाल के समाज को जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर बांट कर बराबर ममता दीदी ने यहां सरकार बनाने की कोशिश की है। ममता दीदी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए, राजनीति यदि की जानी चाहिए तो समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। आप समाज को बांटकर बंगाल का विकास करना चाहती हैं? एक समाज को ज्यादा प्रश्रय, दूसरे को दबाना, यही सिलसिला लगातार उनके शासनकाल में रहा है, लेकिन बहनों भाइयों, अब यह नहीं चलने पाएगा। और मैं कहकर जा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का होने के बावजूद, चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, हम भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन जो जुर्म और अत्याचार करेगा उसे दंडित करने से भी बाज नहीं आएंगे, उसे कठोर दंड भी देंगे चाहे कोई भी हो। हम लोग पक्षपात करने वाले नहीं हैं, हम जाति पंथ और मजहब के आधार पर राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं, हम इंसाफ और इंसानियत के आधार पर राजनीति करने वाले हम सब सारे लोग हैं मेरे बहनों भाइयों। कहां ले गई ममता दीदी इस बंगाल को? आज सारा हिंदुस्तान नवीन शताब्दी में जी रहा है, लेकिन हमारा यह बंगाल आज 19वीं शताब्दी में जी रहा है। केवल वामपंथियों की जो सरकार रही है 35 वर्षों तक, उसके कारण ऐसा हुआ है। ममता दीदी की 10 वर्षों तक से यहां सरकार है, इनके कारण बहनों भाइयों यहां पर हुआ है। ऐसे हालात इन लोगों ने पैदा कर दिए। जब होता है तब
मोदी जी को दोष देती हैं कि मोदी जी जिम्मेदार हैं, मोदी जी मदद नहीं कर रहे हैं। बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत हिंदुस्तान के हर किसान के खाते में हम लोगों ने हर वर्ष 6,000 रुपया डाला है, लेकिन यहां की सरकार, यहां के मुख्यमंत्री ने जो किसानों की सूची भारत सरकार को देने चाहिए थी कि इन इन किसानों के खाते में पैसा डाल दो 6,000 रुपया, वह किसानों की सूची भारत सरकार को ममता दीदी ने नहीं दिया। बहनों भाइयों, हम लोग बार बार आग्रह करते रहे, हमारे बंगाल के किसान भाइयों ने कौन सा अपराध किया है ममता दी, उनकी सूची दीजिए, हम आपसे एक पैसा ले नहीं रहे हैं, हम आपको पैसा किसानों को दे रहे हैं, लेकिन नहीं, सूची नहीं दिया। अब हम लोगों ने सारे देश भर में 12,000 रुपये तक किसानों को दिया, हर साल 6,000 रुपया देते हैं, उनके खाते में सीधे डाल देते हैं 12,000 रुपया, 3 साल का देखें तो 18,000 रुपया आगे हो जाएगा। लेकिन आपको मैं भरोसा दिलाकर जाना चाहता हूं, भले ही ममता दी ने आपको पैसा न देने दिया हो, लेकिन बहनों भाइयों, जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी उसके महीने डेढ़ महीने के अंदर ही हर किसान के खाते में जो बचा हुआ पैसा है 18,000 रुपया डाल दिया जाएगा, 18,000 रुपया आपके खाते में डाल दिया जाएगा। हम यह नहीं देखेंगे कि पहले यदि नहीं मिला तो छोड़ो, केवल 6,000 रुपया डालो इनका काम चल जाएगा, और आगे भी 3 साल, यह जो पिछला 2-3 साल जो गुजर गया उसके आगे भी हर वर्ष 6,000 रुपया केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के खाते में डाला जाएगा, और 4,000 रुपया जो यहां पर हमारी राज्य सरकार होगी उस राज्य सरकार के द्वारा 4,000 रुपया आपके खाते में डाला जाएगा, हर साल किसानों के खाते में 10,000 रुपया डाला जाएगा। मेरे बहनों भाई, क्या यह सब काम ममता दी नहीं कर सकती थी? हमारी केंद्र की योजनाओं को भी नहीं चलाती है, कहती हैं यदि हम यही योजनाएं लागू हो गई बंगाल में तो मोदी जी बड़े पॉपुलर हो जाएंगे, बड़े लोकप्रिय हो जाएंगे। अरे मोदी जी तो सारे देश में लोकप्रिय हैं ही, भारत के प्रधानमंत्री हैं, वह किसी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं करते, चाहे किसी भी पार्टी की वहां सरकार क्यों ना हो। अब जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हिंदुस्तान के हर राज्य में गरीबों के लिए पक्के मकान बनाए जा रहे हैं, पक्के मकान गरीबों के लिए। वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 तक हम सभी को पक्का मकान मुहैया उपलब्ध कराएंगे जिनके पास पक्का मकान नहीं है। बंगाल में जितनी प्रभावी तरीके से वह स्कीम लागू होनी चाहिए थी, बहनों भाइयों, उतने प्रभावी तरीके से इस स्कीम को यहां की सरकार ने लागू नहीं होने दिया। मैं बंगाल की जनता को भरोसा दिलाता हूं कि मेरे बहनों भाइयों, हमारी सरकार बन जाएगी, 2 से लेकर 3 वर्ष तक का समय लगेगा, एक भी गरीब ऐसा नहीं बचेगा जिसे अपना सिर ढकने के लिए पक्का मकान न मिल जाए, ऐसा एक भी गरीब परिवार से नहीं बचेगा। और यह प्रधानमंत्री आवास योजना पिछले 4-5 वर्षों से चल रही है लगातार। शौचालय घर घर में हम लोग सारे देश भर में बनवा रहे हैं, लेकिन यहां बामुश्किल कुछ घरों में बना है, मुझे यह बतलाया गया है। क्या माताओं बहनों की इज्जत और अस्मत की चिंता एक यहां महिला मुख्यमंत्री हो उसके द्वारा नहीं की जानी चाहिए? सभी घरों में शौचालय बनेंगे, यह भी मैं आपको पूरी तरह से यकीन दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं। बहनों भाई, दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, अब कोई माई का लाल, कोई मां का लाल, अभी बंगाल की धरती पर दुर्गा पूजा सरस्वती पूजा को रोक नहीं पाएगा। मेरे बहनों भाइयों, डंके की चोट पर, और आज जिस धरती पर खड़े होकर मैं बोल रहा हूं, मैं जानता हूं इस धरती पर भी कई मंदिर हैं, इस धरती को तो मंदिरों की धरती कहा जाता है, मुझे बतलाया गया है, लेकिन यह भी जानकारी दी गई है कि यहां कई मंदिर पूरी तरह से खंडहर पड़े हुए हैं। क्यों ऐसे हालात हैं? अरे जनता तो खुद ही चंदा लगाकर मंदिर बनवाती है, उसकी मरम्मत कराती है, लेकिन जनता को ही आपने कंगाल बना दिया है, खाने के लिए पैसा नहीं रह गया, क्या करेगी जनता? बहनों भाइयों, हालात हम लोगों को बदलने होंगे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो हमारी सरकार ने प्रारंभ की है, कान खोलकर आप भी सुन लीजिए,
और प्रारंभ की है तो लागू हो गई है। करोड़ों लोगों ने देश में उसका लाभ ले लिया है। वह योजना है आयुष्मान भारत की योजना। गरीब से गरीब व्यक्ति बीमार हो जाएगा, यदि उसके जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है इलाज कराने के लिए, एक भी पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए, तो आयुष्मान भारत योजना ऐसी है बहनों भाइयों कि 5 लाख रुपए तक का एक साल में आपका मुफ्त इलाज किया जाएगा। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा, यह है आयुष्मान भारत योजना। और यदि आपकी बीमारी एक साल में ठीक नहीं होती है, अगले साल भी जरूरत होगी, तब भी आपका 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा, यह है आयुष्मान भारत योजना। दुनिया के किसी देश में इस प्रकार की योजना लागू नहीं है। इस प्रकार की योजना यदि लागू है तो केवल और केवल भारत में लागू है, और इसका श्रेय यदि किसी को दिया जाना चाहिए तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। अब इन सब सारी चीजों को क्यों नहीं लागू करती है ममता दी, यह बात तो मुझे नहीं आती। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे तो एक समय उन्होंने अपनी लाचारी जाहिर करते हुए यह कहा था, क्या करें मैं मजबूर हूं, दिल्ली से जनता के लिए यदि मैं 100 पैसा भेजता हूं तो बामुश्किल 16 पैसा लोगों की जेब में पहुंच पाता है, 84 पैसा लोग खा जाते हैं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र भाई मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही यह तय किया, हम एक भी पैसा भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने देंगे, भ्रष्टाचारियों की जेब में नहीं जाने देंगे। और आप सभी लोगों का प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाता खुला होगा, यदि ममता दी ने नहीं खुलवाया होगा तो खुलेगा, हर परिवार का खाता खुलेगा। और बहनों भाइयों, किसानों को जो हम पैसा दे रहे हैं, अब 6,000 रुपया वहां से भेजते हैं तो 5,000 किसानों को नहीं मिलता है, 6,000 का 6,000 रुपया उनके खाते में जाता है, एक पैसा भी अब भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने पाता। व्यवस्था में परिवर्तन करके भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए। नीयत यदि ठीक न हो तो भ्रष्टाचार पर किसी भी सूरत में काबू नहीं पाया जा सकता। इसलिए मैं आज कहने आया हूं मेरे बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी एक बे वैसी राजनीतिक पार्टी है जो कि आपका विकास कर सकती है, इस राज्य को सचमुच हम सुनार बंगला बना सकते हैं। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया होगा, क्यों नरहरि जी घोषणा पत्र की चर्चा हो गई है, यहां पर सारी चीजें बतला दी गई है लोगों को, घोषणा पत्र में जो चीजें हैं बतला दिया है कि नहीं बतलाया? नहीं बतलाया अभी, ओह तो बड़ा लंबा समय लग जाएगा। बहुत बहुत सारे फैसले हम लोगों ने किए बहनों भाइयों, हम लोगों ने फैसला किया है नौकरियों में माताओं बहनों को 33% का आरक्षण दिया जाएगा, 33% का आरक्षण। पुरुष लोग नाराज तो नहीं होंगे इससे? और जब मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, जिस समय मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय मैंने पार्टी में भी बहनों को 33% का आरक्षण दिया था बहनों भाइयों, और अब हम लोगों ने फैसला किया है कि महिलाओं को नौकरी में भी 33% का आरक्षण दें। और कान खोलकर एक बात और सुन लीजिए, घर में जाकर बतला दीजिएगा, अपनी घरवाली को भी बतला दीजिएगा, माता बहन जी को भी बतला दीजिएगा, अब माताओं बहनों का मुफ्त इलाज किया जाएगा, एक भी पैसा नहीं लगेगा। यह भी हम लोगों ने घोषणा दी, विधवा पेंशन जो पहले 1,000 रुपया मिलता था उसे बढ़ाकर 3,000 रुपया कर दिया जाएगा, जब हमारी सरकार बनेगी 1,000 से बढ़ाकर 3,000 कर दिया जाएगा। और एक बालिका आलो योजना के तहत बालिकाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी, और 18 वर्ष की जब उम्र पूरी कर लेंगी तो उनके पास 2,00,000 की सहायता दी जाएगी, यह भी हम लोगों ने घोषणा किया है। अब किसानों की बात मैंने बतला दिया है, यहां पर मछुआरे समाज का कोई है कि नहीं? मछुआरे समाज का कोई है? हाथ उठाइए। अब हर साल 6,000 रुपया मछुआरों को भी मुहैया कराया जाएगा, हर साल उनके अकाउंट में 6,000 रुपया डाला जाएगा। आशा आशा बहने हैं ना यहां,
आशा कार्यकर्ता है कि नहीं, जानते हो कि नहीं? पहले उनको 4,500 रुपया मिलता था, उनका भी वेतन बढ़ाकर 6,000 रुपया कर दिया जाएगा, ये आप लोगों ने फैसला किया। और नौजवानों की बेरोजगारी को दूर करने के लिए 20 लाख नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट यानी उनका कौशल विकास का एक विस्तृत कार्यक्रम चलाया जाएगा। सहज पथ कार्यक्रम के आधार पर गरीबों को मुफ्त किताब, बैग, स्कूल यूनिफॉर्म, साइकिल, डिजिटल टैबलेट यह भी उपलब्ध कराई जाएगी। 100 सरकारी नए कॉलेज खोले जाएंगे, 50 नए पॉलिटेक्निक भी होंगे। हर ब्लॉक में सामुदायिक खेल केंद्र भी होगा। एमएसएमई जो छोटे उद्योग हैं उनके लिए भी कोलेटरल फ्री माने बिना किसी कोई चीज बंधक रखे हुए कोलेटरल फ्री ऋण दिया जाएगा। और ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं, यदि मैं पढ़ना शुरू करूं तो लंबा समय लग जाएगा मेरे मित्रों, लेकिन यहां पर मैं बताना चाहता हूं मुख्य बात। आपके घर के भी लड़के लड़कियां पढ़ते होंगे, गरीब बच्चियों को गरीब लड़कियों को कक्षा 6 में 3,000 रुपया, कक्षा 9 में 5,000 रुपया और कक्षा 11-12 में 7,000 रुपये की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। 7,000 रुपये की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। बंगाल में घुसपैठ भी बहुत होती है। बहनों भाइयों, बन जाने दीजिए सरकार, देखता हूं किस माँ के ने किसने अपने माँ का दूध पी रखा है कि बंगाल की हमारी बंगाल की धरती पर घुसपैठ कर जाए। अवैध घुसपैठिए की इजाजत हम लोग किसी भी सूरत में नहीं देंगे। असम में बहनों भाइयों, भारत का गृह मंत्री रहते हुए मैंने वहां पर फेंसिंग कराई और जहां पर नदियां थी वहां पर टेक्नोलॉजिकल हमने व्यवस्था कराई। अब असम में पहले की अपेक्षा बहुत ही कम शायद रह गया होगा तो घुसपैठी आ पाते होंगे, लेकिन अब घुसपैठियों को वहां पर घुसपैठ करने की का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसे कई कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं और आगे भी हम लोग उठाएंगे। हम आपको यह भरोसा दिलाते हैं, आपको हम यह विश्वास दिलाते हैं। और अंत में यही कहना चाहेंगे कि मित्रों, इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। और हमारी ममता दी जो बार बार धमकी देती हैं, किसी को धमकी में आने की कोई जरूरत नहीं है। ममता दीदी को बतला देना चाहता हूं कि ममता दीदी, अब बंगाल में अब यही दादागिरी चलवे ना, यही दादागिरी चलवे ना। बराबर जब होता है तब कहती हैं खेला हो बे, खेला हो बे। अरे क्या खेला हो बे? अब न बंगाल में खेला होवे, न अब बंगाल में तमाशा होवे, अब बंगाल में काम होवे, अब बंगाल में विकास होवे, अब खेला ना होवे, न अब काम होवे, अब ना होवे। और मेरे बहनों भाइयों, 2 मई को दीदी जाचे, आशोल परिवर्तन नाशे, चलेगा? जब लोकसभा का चुनाव था उस समय हम लोगों ने यह कहा था चुपे छाप कमल छाप, कहा था ना कि नहीं? कहा था। लेकिन इस बार चुपे छाप कमल छाप नहीं कहेंगे, इस बार कहेंगे जोरे छाप तृणमूल साफ, जोरे छाप तृणमूल साफ। हिम्मत के साथ जाइए और अपना मतदान कीजिए मेरे बहनों भाइयों, कमल के फूल का बटन दबाइए और हमारे प्रत्याशी को भारी मतों से विजय दिलाइए। और नरहरी माता को मातों को पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं नरहरी जी? अच्छा, आप तो ये तो देखिए सांसद रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने फैसला किया जनता की सेवा करनी है राज्य में रहकर, इसलिए ये विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं नरहरी जी मातो। इनको भारी मतों से जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? पक्का जी? इधर के लोग जरा बतलाइए, हाथ उठा के, यदि जिताना है जरा तालियां बजाकर एक बार संदेश दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद नरहरि जी। अब जनता ने तो दे दिया संदेश कि आप जीते ही रहे, इसमें संदेह है? संत कह रहे हैं संदेह नहीं है। तो मैं नरहरि जी को कहूंगा कि नरहरि जी, चुनाव जीतने के बाद कभी भी एक आध साल में जब भी आपको फुर्सत मिल जाए, एक बार हमको फिर से इसी धरती पर बुला लेना, एक बार फिर से हमको इसी धरती पर बुला लेना।
और बहनों भाइयों, यदि मैं दोबारा इस धरती पर आना चाहूंगा तो फूलों की हार पहनकर अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आना चाहूंगा। यदि आना चाहूंगा तो एक बार शीश झुकाकर यहां की जनता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आना चाहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।